हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, ये जो टूटी फ्रूटी है ये हमारे डेजर्ट को सजाने के काम आती है, और जब हम इसको मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूँ, बहुत ही ईजी से स्टेप्स के साथ में घर में बनाते हैं इसको। तो चलिए फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसको आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाटरमेलन के जो छिलके हैं इससे। तो इसके लिए मैंने इसका जो अंदर का पार्ट है ये उतार लिया है, और बाहर का जो ये ग्रीन पार्ट है इसको भी छील लिया है अच्छे से। तो ये काफ़ी हार्ड होता है, इसको आराम से आप छील लीजिए, चाहे तो पीलर की हेल्प से छील सकते हैं। तो जब तक हम इसको छीलते हैं तब तक इसकी एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक पैन में मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है, और इसमें एक कटोरी ही पानी डाल दिया है, और इसको हम रख देंगे अब इसकी चाशनी बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से इसका बॉयल आ गया है, और इसको हमें बहुत अच्छे से चलाना है काफ़ी टाइम तक, क्योंकि इसकी हमें चाशनी बनानी है, और एक तार की चाशनी से थोड़ा सा कम इसकी चाशनी हमें रखनी है। तो यहाँ मेरे सारे छिलके बिल्कुल निकल चुके हैं इसके, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसको वॉश करके और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो इसके इक्वल पीसेस हो जाएंगे। तो ये एकदम डाइस में तैयार हो जाएंगे हमारे सारे छोटे छोटे पीसेस। तो इसी तरीके से मैं सारे जो हमारे वाटरमेलन के छिलके हैं उसको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, और अब हमें करना है इनको बॉयल। तो मैंने दूसरा एक पैन लिया है, इसमें पानी बॉयल कर लिया है, और इसमें मैं ये सारे जो हमारे पीसेस हैं ये ऐड कर दूंगी। और इसको हमें तब तक बॉयल करना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो इसको थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, और थोड़ा सा इसको चेक करेंगे कि ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये सॉफ्ट भी हो चुका है, तो अब इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे। तो ये हमने बाहर निकाल लिए हैं, और बहुत ही अच्छे खिले खिले एकदम हो गए हैं तैयार। तो ये हमारी चाशनी है, इसको मैंने गैस से नीचे उतार लिया है, और अब इसके अंदर हम ये सारे पीसेस डाल देंगे जो कि हमने ड्रेन आउट करके रखे हैं, और इसको अच्छे से इस चाशनी के अंदर डिप कर देंगे, और इसको 2-3 घंटों के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो चाशनी है वो सारी चाशनी इन पीसेस के अंदर चली जाए। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और सारी जो ये पीसेस हैं ये चाशनी को पी चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बाउल ले लिए हैं, क्योंकि मैं इनको 3 कलर में बनाने वाली हूँ। अगर आप ज़्यादा कलर्स में बनाना चाहें तो ज़्यादा बाउल ले सकते हैं। तो मैंने इस अपने पीसेस को, जो चाशनी वाले पीसेस हैं, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ ईडेबल कलर लिए हैं। तो ये मेरे पास कुछ लिक्विड हैं और कुछ पाउडर फॉर्म में हैं, तो जैसा भी आपके पास में हो आप ले लीजिए। तो इनमें से एक में मैंने डाल दिया है येलो कलर, और अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद में ये रेड कलर मेरे पास में थोड़ा लिक्विड वाला था, तो ये मैं ऐड कर दूंगी, और उसके बाद में ग्रीन कलर इसमें ऐड करेंगे। तो आप अपनी पसंद से जो भी कलर इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इनको मैं रख दूंगी 2-3 घंटे के लिए, जिससे कि कलर ये अच्छे से आ जाए। तो देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है 2-3 घंटों के बाद। तो इसको अब हमें सुखाने के लिए रखना है। तो यहाँ पे एक ट्रे ले ली है मैंने, उसके अंदर एक सिल्वर फॉइल लगा दिया है। तो यहाँ सिल्वर फॉइल लगी ट्रे को हम रखेंगे, और यहाँ पे जो हमने कलर किया है सारी चाशनी में से निकाल के अपने पीसेस को वाटरमेलन के, उसको मैं इस तरह से छान लूँगी। तो इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाएगी। इसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है हमें, क्योंकि नहीं तो ये सारा मैश हो जाएगा। और इसको इस तरीके से हम इस ट्रे के अंदर फैला देंगे।
इसी तरीके से मैं रेड कलर भी ड्रेन आउट करके इसको भी फैला देंगे ट्रे के अंदर। आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग ट्रे में भी इनको फैला सकते हैं, मैंने एक ही ट्रे में इनको फैला दिया है। और इसी तरीके से ग्रीन कलर भी मैंने ड्रेन आउट कर लिया है और इसको अच्छे से फैला देंगे। और इसको मैं रख दूँगी ओवरनाइट ड्राई होने के लिए। और इसको कभी भी आप धूप में ना सुखाएं, हमेशा इसको पंखे के नीचे ही रख के सुखाएं। तो देखिए सूखने के बाद में ये कितने अच्छे हो गए हैं, एकदम तैयार हो गई है हमारी टूटी फ्रूटी और बहुत ही अच्छी है। और आप इसको पूरे साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तो गर्मियों में आप खाइए वाटरमेलन और उसके छिलक से बनाइए टूटी फ्रूटी और पूरे साल इंजॉय कीजिए। अपने डेजर्ट को सजाइए, अपनी आइसक्रीम को सजाइए। तो देखिए कितनी कलरफुल हमारी टूटी फ्रूटी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।